नमस्कार आपण देखुछन्ती न्यूज 8 4। डराइला महानदी उपर मुंडरे वर्षा परे बढ़ुची जलस्तर। हीराकुद रे खोलिला आउ 6टी गेट। वर्तमान हीराकुद जलभंडाररो 220टी स्लुइस गेट दे जल निष्कासन हेउची एवं हीराकुद जलभंडाररो जलपतन 615.89 फुट रे रहिची। ए समय मध्येरे जलभंडारकु प्रति सेकेंड रे 422,000 घन फुट जल प्रवेश करुची। 20टी स्लुइस गेट विभिन्न केनाल दे 340,945 घन फुट जल निष्कासित हेउची। बामपट स्पिलवे रो 13टी स्लुइस गेट खोला जायची। डाहाण पटे 7टी खुलिची। सेपटे 20टी गेट खोला जायथिबारु महानदी तळ अंचल को सतर्क कराइछन्ती संबलपुर जिलापाल अनन्या दास। वर्तमान पानी रो बेग अधिक थिबारु तळ अंचल रे सतर्क रहबाकु लोकों को माइक जोगे कुहा जायछि। तळिया अंचल रो लोके नदी को न जिबा पई कुहा जायछि। एथिपई जिला प्रशासन भी सजाग रहिछि। तेबे वर्तमान बन्या परिस्थिति नाही। हीराकुद जलभंडारर सर्वोच्च जलधारण क्षमता 630 फुट थिबा बेले 64टी स्लुइस गेट दे 34टी क्रेस्ट गेट दे मोट 98टी गेट दे जल निष्कासन होइथाय। आमर एट प्रेजेंट 20टा गेट खोला अच्छे लेफ्ट रु 13 और राइट रु 7। आउ इनफ्लोटा आस 3.77 लाख्स रो इनफ्लो एवं आस तो से हिसाब से एम तलिया अंचल सब जगार माइक अनाउंसमेंट कर सैरेन टू समस्त को इनफर्म कर पानीटा बाहर एवं आउ तलिया अंचल जीवे ना एस्पेशली कहीं पानी रो स्पीडा एवं बेसी रोचे वेलोसीटा बेसी रोचे तो समस्त को मोर अनुरोध रोज जो नेसेसरी केयर ने जो जो माइक अनाउंसमेंट कर हिसाब से ध्यान रखे आमर इवाकुएसन प्लान रेडी अच्छे एवं 20टा गेट रे सेमती रिस्क नहीं बोल कि आम पाखे फिडबैक अच्छे कि जदि बढ़ला तो इवाकुएसन जगह और इवाकुएसन प्लान टा रेडी अच्छे। हाँ निश्चय सब आम जो पंपिंग स्टेशन अच्छे सब रेडी अच्छे ड्राइवर टा हो जाए किसी असुविधा ना प्लस आम जो दुटा बड़ा पंप अच्छे तार भी लोकेशन आम डिमांड हिसाब से फिक्स कर छोटिया पंप गुड़ाक लोकलाइज जो व्टर लगिंग होती आम पठाऊ निश्चय आम जो जो जगह सिटी एरिया स्पेशली व्टर लगिंग होती आम पंप डिप्लयमेंट प्लान कर बाकी अंचल भी जो नई पाखे अच्छे से आम वाच कर। भद्रक जिले में लघुचाप जनित लगाण वर्षा जो जिले में प्रवाहित बैतरणी सालंदी एवं यार शाखा नदी में जलपतन वृद्धि पाउछि। आखुआपदारे बैतरणीर विपद संकेत 17.83 मीटर थिबा बेले आज सकाळ 10टा सुधा जलस्तर 17.73 मीटर रे प्रवाहित होउछि। बैतरणी रे जलस्तर वृद्धि पाउथुवा जोगु नदी कुलिया भंडारी पोखरी धाननगर ब्लॉक रे बन्या आशंका सृष्टि होउछि। लगाण वर्षा रे जिलार विभिन्न तळिया और खालुआ अंचल जलमग्न। संभाव्य बन्या को देखी प्रशासन पक्षरु धाननगर और भंडारी पोखरी ब्लॉक रे सजाग रहबा को जिला प्रशासन पक्षरु निर्देश जारी करा जाय छी। लघुचाप जनित वर्षा जोगु बैतरणी नदी रे बन्या आशंका सृष्टि कर बैतरणी नदी आखुआपदारे विपद संकेत 17.83 बेले वर्तमान विपद संकेत तले प्रवाहित होउछि। जिला प्रशासन बा जलसेचन विभाग अधिकारी मानकर कहिबा कथा जदि एही लघुचाप जनित वर्षा चंपुआ अंचल केउजर अंचल वर्षा अधिका हेथाय ताहाले आज राति सुधा विपद संकेत उपरे प्रवाहित हेब जहाँ नहीं कि आशंकर अच्छा भद्रक जिलावासी विपद संकेत उपरे प्रवाहित हेले भंडारी पोखरी ब्लॉक कंटी घाई ऊपर दे जल प्रवाहित हे जहाद्वारा भंडारी पोखरी ब्लॉक 7-8 पंचायत जलमग्न हो सही भाई धामनगर ब्लॉक मल्लीमारा और गोरंगपुर एस्केप मध्यम पानी प्रवेश कर चाष जमिकी एवं जनबसति प्रवेश कर जहाँ कि आतंकित अवस्था वर्तमान धामनगर एवं भंडारी पोखरी अंचलवासी अच्छा से जिला प्रशासन पक्ष समस्त व्यवस्था कर जिलापा सिद्धेश्वर बंदर जहाँ सूचना आमको दे कहवा कथा अनुसार जे प्रति ब्लॉक तहसीलदार विडीओ एवं विभिन्न अधिकारी मानक सतर्क कर दी जाएगी जदि अधिक बन्या आसे ताहले लोक मान को केमी इवाकुएसन करहब एवं उच्च स्थान को नहीं हम से 100 रु ऊर्ध बात्या आश्रयस्थल एवं बहु स्कूल घर मध्य देखा जाए से जगह को नेबे एवं विभिन्न पंचायत सरपंच मान को जो इवाकुएट कर लोक मान खाइवा पीवा और पानी व्यवस्था सब व्यवस्था करतीपाई समस्त बंदोबस्त कराई किंतु आउ गोटे कथा कहुई
जो लोक मैंने अच्छा भद्रक जिले में विशेष करके धामनगर और भंडारी पोखरी अंचल विशेष प्रथम जदि बन्या आसे यही दुईट ब्लक को प्रथम बन्या जल प्रवेश कर भयभीत नापाई सी प्रथम सूचना देखते भद्रकु तपन स्वाई न्यूज 18 ओडिया। एपटे लगाण वर्षा पर उत्तर ओडिशा विभिन्न नदी में जलस्तर वृद्धि पाई विपद संकेत टपी जलका नदी मथानी में विपद संकेत 5.5 मीटर थिबा बेले 6.29 मीटर में वर्तमान जल प्रवाहित तलिया अंचल विभिन्न गांव में पा पशि आग को वर्षा थिबारु जलस्तर आहुरी बढ़िबार आशंका करा तेरे बस्ता और सदर ब्लक अनेक पंचायत प्रभावित हो पश्चिम बंगर जामसोला घाटे विपद संकेत 49.16 मीटर थिबा बेले एठारे जलस्तर वर्तमान 46.20 मीटर रे प्रवाहित होउछि। एपटे सुवर्ण रेखा रे मध्य जलस्तर वृद्धि पाउछि विपद संकेत तले रहिछि। राजघाट रे सुवर्ण रेखा नदी रो विपद संकेत जलस्तर 10.36 मीटर अछि। एबे जलस्तर क्षमता रहिछि 4.54 मीटर। एपटे बुढ़ा बड़ंगरे मध्य जलस्तर बढ़ुछि जातीय राजपथ 16 रे विपद संकेत 8.13 मीटर थिबा बेले जलस्तर रही 6.76 मीटर। वर्षा दिन आसिले केन्दुझर गड़ पौरपालिका 9 नंबर वार्ड स्पंज कॉलोनी वासिंकर दुख बढ़ी जाए। ड्रेनेज नथिबा कारणरु रास्तारे वर्षा पानी चलिबा सह लोकंक घरे पानी पसुछि। दीर्घ दिन हेबो काशीपुर अंचल रे शताधिक परिवार एभली असुविधा भोगुछन्ति। यार समय समाधान करने को बारंबार पौर कर्तृपक्ष एवं प्रशासन को अवगत करते कौन सुफल मिलूना। मुख्य शासन सचिव एवं जिला गस्तरे सहित ए संपर्क में आलोचना करूबशीघ्र यथाशीघ्र समस्या समाधान होती पौराध्यक्षा अल्प भी वर्षा घंटे वर्षा हेले भी पानी रूम भितर पशि जो ड्रेनेज सिस्टम प्रॉब्लम अच्छे तो गवर्नमेंट को किसी स्टेप ना दरकार ड्रेनेज सिस्टम ठीक रहले पानीटा से बटे जापर वर्षा आसला मात्र कॉलोनी बुड़ी जाए पानी रे आम बहुत हैरान हो घर गुड़ी पा बहुत पशि जाए कमुनी छुआ पा स्कूल भी जाऊना बहुत कष्ट आम खावा पीवा नहीं आसुचु सिंस लास्ट 20 इयर्स आम यहाँ रेनि सीजन वर्षा पूरा उद्योग होकर रोचु माने म्युनिसिपैलिटी हो से कलेक्टर हो कि एग्जीक्यूटिव अफसर समस्त को बार बार जाकि मीट करके आम सब ग्रीवांस कर सारापर दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। आम जो चीफ सेक्रेटरी आम केन्दुझर विजिट अच्छा आम आज सकाल जाए बाबद देखा करूँ सहित वाटर लॉगिंग रो प्रॉब्लम ड्रेनेज प्रॉब्लम आउ ट्राफिक समस्या नहीं कि सहित डिस्कशन भी करूँ तांको कहिबा अनुसार डिसेंट्रलाइजेशन चली डिसेंट्रलाइजेशन ही से नेक्स्ट किसी स्टेप नहीं पारे। लगाण वर्षा रास्ता को खसिला विशाल पथर खंड। रायगढ़ जिला विषमकटक ब्लक चाटिकोणा खजूरी जीवा रास्त खसी पथर पथर खसी पड़ा फल लोके आसवे असुविधा भोगुंट बंगोपसगर घनीभूत लघुचाप अवपात पर कुरुली रे दुई दिन धरी लगाण वर्षा चली वर्षा बढ़िया यार प्रकोप जनजीवन पड़ी आज प्रबल वर्षा रास्ता पथर खसी पड़ी उपर मुंडरे वर्षा जारी रही बेले महानदी जलस्तर वृद्धि पाउछि। सकाळ 9टा सुधा मुंडली ब्यारेज दे 378,520 क्यूसेक जल निष्कासित होउछि। एबेले जोब्रा ब्यारेज दे 2,17,318 क्यूसेक जल निष्कासित होउछि। नराज दे काठजोड़ी 1,48,055 क्यूसेक जल निष्कासित होउछि। सकाळ 6टा रु महानदी जल निष्कासित चालिछि। सकाळ 6टा रु जलस्तर स्थिर भी रहिछि। तेबे हीराकू जलभंडारू छड़ा जाइथिबा पानी आसंता काली अपराह्न सुधा कटक रे पहुंचिबो सेते बेलकु एबे प्रभावित होइथिबा पानी निष्कासित होइ जाइथिबो फलस्वरूप आसंता काली भी महानदीर जलस्तर रे विशेष परिवर्तन आसी पारि नथाय। तेबे आगामी दिन रे हेबाकुथिबा वर्षा जोगु जलबंदी समस्या मुकाबिला पई सीएमसी पक्षरु समस्त प्रकार व्यवस्था करा जाइथिबा सीएमसी मेयर सुभाष सिंह मध्य कहिछन्ति। एपटे पश्चिम म्यांमार और तार पार्श्वर्ती अंचल में एक घूर्णिबलय सक्रिय होती प्रभाव में आगामी 24 घंटे उत्तर बंगोपसगर और तार पार्श्वर्ती लघुचाप सृष्टि हो पारे फल आगामी 24 घंटे 13 जिले में प्रबल वर्षा हो दक्षिण आभ्यंतरीण ओडिशा को बाद दे समस्त जिले में हालुकार मध्यम धरण वर्षा हो पारे 13 और 14 में 30 जिला को आलर्ट कर आसंता जिला 14 जिले में प्रबल अति वर्षा हो पारे। दक्षिण ओडिशार विभिन्न स्थान में बन्या परिस्थिति दृढ़ीभूत हो 14 तारीख से 16 जिले में अति प्रबल वर्षा और 4 जिले में अत्यंत प्रबल वर्षा पर ऑरेंज अलर्ट जारी हो
दक्षिण आभ्यंतरीण सह गजपति गंजाम अति प्रबल वर्षा होई पारे। महानदी अबबाहिकार जलस्तर वृद्धि पाइब। ऋषिकुल्या वंशधारा नागावली नदी फुल पंदर वर्षार परिमाण कम। 15 तारीख जाए समुद्र अशांत रहा 4-6 मीटर उच्च ज्वार आसिबो। एने मत्स्यजीवी को समुद्र भितर को जीवा को बारण कर सुंदरगढ़ जिला को छाड़ी देले नियंटिया वर्षार भरणा होइछि बोली पाणीपाग विभाग कहिछि। देखो आमर जो गत काली रही था गांगेय पश्चिमबंग उपत्यक अंचल जो घूर्णिबलटी रही है सक्रिय रही है। बर्तमान ता वायुमंडल 3.1-7.6 किलोमीटर मध्य सक्रिय रही है। छड़ा मौसुमी निम्नचाप रेखा जोटा कि आम पाखापाखि जोटा रोच झारखंड रांची ता छड़ा आम पश्चिमबंगर उलिबेरिया रु आम दक्षिण पूर्व दिगरे या उत्तर पूर्व बंगोपसागर जाए लंबी। ता छड़ा जो घूर्णिबल बर्तमान जोटा लघुचाप संभाव्य रोच गोटे घूर्णिबल सृष्टि होती जोटा कि आम म्यांमार पश्चिम म्यांमार और तार आखपाख अंचल जहाँ वायुमंडल मध्यभाग पर्यंत लंबी। यही जो घूर्णिबलटी रोच प्रभाव में आगामी 24 घंटा मध्य गोटे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हो जोटा कि उत्तर बंगोपसागर और तार पार्श्वर्ती अंचल सृष्टि होबार परवर्ती 24 घंटा मध्य आहरी घनीभूत होबार संभावना रही। ता छड़ा पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिवार संभावना रही। यही जो वर्तमान जो पानीपागर नियमक रही जोटा कि आमर गांगेय पश्चिमबंगर उपत्यका ता छड़ा जो पानी आमर मौसुमी जनित निम्नचाप रेखा जो दुई प्रकार पानीपाग नियमक प्रभाव में आगामी 24 घंटे पाखापाखि 13 जिले में आम प्रबल वर्षा संभावना रही। खास करके जिला गुड़िक हूँ सुंदरगढ़ ढेंकानाल अनुगुल झारसुगुड़ा जगत सिंहपुर पुरी खोर्धा कटक केउंझर देवगढ़ संबलपुर केन्द्रापड़ा और जाजपुर। यही 13 जिले में आगामी 24 घंटा मध्य प्रबल वर्षा संभावना रही। ता छड़ा केवल दक्षिण आभ्यंतरीण ओडिशा छाड़ा पर सब ओडिशार अन्य अंचल अधिकांश स्थान में हालुकार मध्यम धरण वर्षार संभावना रही। जो लघुचाप क्षेत्र की संभावना रही आसंता का जोटा कि 24 घंटा मध्य ता प्रभाव में 13 तारीख और 14 तारीख राज्य में सर्वाधिक प्रभाव रहा संभावना रही। 13 और 14 आम पाखापाखि उभय दिन में 30 जिला वार्निंग जारी कर आसंता का जोटा कि रोच पाखापाखि 14 जिले में प्रबल रू अति प्रबल वर्षा 7-20 सेंटीमीटर मध्य वर्षा संभावना रही। जिला गुड़िक हूँ मुख्यतः भाव में उपकूल ओडिशार प्राय समस्त 11 जिला रही। बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगत सिंहपुर कटक खोर्धा पुरी नयागढ़ गंजाम गजपति ये 13-11 जिला ता छड़ा आभ्यंतरण ढेंकानाल कंधमाल और जोटा कलाहांडी ये 3 जिले में आसंता का प्रबल अति प्रबल वर्षा अर्थात गोटे दुईट स्थान में 7-20 सेंटीमीटर मध्य वर्षा संभावना रही। रेपर स्वागत। रत्नभंडार खोलिबा नै एसआई रो चिठी प्रसंगरे न्यूज 18 ओडिया को आईन मंत्री जगन्नाथ सारकांको एक्सक्लूसिव प्रतिक्रिया। आईन मंत्री जगन्नाथ सारका कहिसंती एएसआई चिठी नै तांको पाखरे किछि खबर नै। चिठी आसीबा पारे विचार विमर्श करी पदक्षेप नियाजिबो। से कहिसंती रत्नभंडार भितरे कोन होईछि जणा नै। केवल एएसआई कहि पारिबो कोन होईछि। चिठी आसीला पारे जहां आवश्यक पड़िबो कराजिबो। एएसआई चिठी रे कोन रहिछि ताको बुझिबा को पड़िबो। या परे बाबदरे विभाग को अवगत कराजिबो। रत्नभंडार स्थिति अनुध्यान श्रीमंदिर प्रशासन को चिठी लिखी एएसआई। गत 8 तारीख में श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक को ए संपर्क में चिठी लिखी एएसआई अधीक्षक अरुण मल्लिक। चिठीर नकल आईन विभाग सचिव को दि जाएगी। एएसआई अधीक्षक लिखि चिठी श्रीमंदिर प्रशासन हस्तगत हो आसे विचार विमर्श कर पदक्षेप ना कथ निर्जय ना एएसआई जोटा जन आपण मैंने कहते से पर्यटन आम पाखे खोज खबर ना मो पाखे तेणु से कौन है तो आप जानते आम भी जानू जहाँ एएसआई ही जहाँ कही पार तेणु तक आसला परवर्त मुहूर्त जहाँ दरकार से निश्चित भाव कर आसला कमिटी बसी ना तेणु पर्दर स्टेप जहाँ आवश्यकता से जिन करा नहीं एएसआई कमिटा जहाँ लेखा दे ना कौन कही जदि अच्छे तेल निश्चित भाव कौन हो तो बुझाक पड़ो ठीक अच्छे से जिन कर। आज विश्व हाथी दिवस। कपिलास हाथी उद्धार केन्द्र में विश्व हाथी दिवस पालित हो। हाथी उद्धार केन्द्र में मोट 7 हाथी वर्तमान अच्छा। हाथी को स्नान कराई से पूजा कराई आज फलमूल खावाक दि जाता। प्रत्येक वर्ष विश्व हाथी दिवस को यह भाव पालन कराए। ये 7 हाथी भितर 4 अंडीरा हाथी 3 माई हाथी अच्छा। अंडीरा हाथी राकेश कार्तिक चंदु और शिवा। माई हाथी होती उमा पद्मा श्यामा।
ଏହି ଅବସରରେ କପିଳାସ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଭିତରେ ସଚେତନତା ସଭାର ବି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ରେଞ୍ଜର ତରୁଣ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡ ଏସ୍ଏଫ୍ ସୁବାସ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ହାତୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଏ ଦିଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। जोभली रेट्रे हाथी मानकर मृत्यु घटुची आज मुशवासी एवं मोर जनसाधारण को ये आह्वान देवी जे हाथी मानकर सुरक्षा करूँ आउ हाथी जो मारुची लोक हाथी मृत्यु होपी तो मुख्य भाव में मुझे कहि जो भाई भाव में हाथी मान को इरीटेसन करगा जा तो से जनसाधारण मृत्यु हो हाथी आ मनुष्य जो आम रोचे ये तारतम्य किमी हाथी मनुष्य को दुर्घटना कर मनुष हाथी करा भितर आम सचेतन हाथी मानकर सुरक्षा काम करूँ आउ हाथीर संख्या दिनक दिन कमिबार लगी आम समस्ते से सहिष्णु हवा संवेदनशील हवा ना आमर उत्तर पीढ़ी विराट पशुटीर फटो ही केवल देखिए। विश्व हाथी दिवस रे पीसीसीएफ ऑफिस सम्मुखे पशु प्रेमी अभिनव प्रतिवाद। हाथी बेसरे जने वन्यजंतु प्रेमी पीसीसीएफ ऑफिस सामने मरीबार अभिनय करी भिन्न उपाय प्रतिवाद करी कहिबा कथा राज्यव्यापी खुल्लम खुला हाथी शिकार हेउथिबा बेले केबे गुळीबिध दंता जंगल छटपट होई बुलुची तो केते बेले माटी तळु हाथी कंकाल ठाब हेउची। राज्य रे हाथी वंश बुडाई देबाकू बसिलेनी शिकारी और वन्यजंतु माफिया। हाथी मृत्यु को नहीं क्राइमब्रांच तदंत एसआईटी तदंत जाए हो सारी कि आज जाए यार कौन सुफल मिलूनी तेणु पीसीसीएफ ऑफिस आगे एभली किसी निरा प्रतिवाद कर निज असंतोष जाहिर करी पूरबी पात्र। देखिलु अगस्ट 12 हाथी दिवस आम तो सब दिन आज्ञा हाथी दिवस आम तो हाथी मान सबुदिन कम करुचु सबुदिन कहूँ आम जो प्रोटेस्ट करा कौन खुशी दिन कहीकि पालन करवाक आसनु आम गोटे सिम्बोलिक प्रोटेस्ट देखेवाक आसचु कि आज्ञा हाथी मरिक पड़ते जंगल सब मरिक पोता होती जाकि देखु एसी रूम भितर बसिकी जाठी भाषण दे गोटे घंटा किसी फरक पड़वर ना। राजधानी पुणी धड़ा जहर जबत अबकारी फ्लाइंग स्क्वाड कैपिटल थाना पीएचडी कॉलोनी केदारपल्ली बस्ती अबकारी फ्लाइंग स्क्वाड जबत कर 224 ग्राम ब्राउन सुगार जबत ब्राउन सुगार आनुमानिक मूल्य प्राय 22 लाख टंका हेबो। घटनारे संप्रक्त लेडी ड्रग्स माफिया को अबकारी टीम गिरफ करी गिरफ अभियुक्त महिला सुषमा नायक। सुषमा दीर्घ दिन धरी ब्राउन सुगार कारबार करुथिला तेबे खोर्धारु आनी जने युवक ब्राउन सुगार देउथिबा तदंतरु जना पड़िछि। राजमहल छक पेट्रोलिंग करुवा समय रे एक विश्व सूत्र सूचना मिलता जे केदारपल्ली बस्ती में जन महिला विक्रय उद्देश्य ह्यूज परिमाण ब्राउन सुगार रखिंटे और से ही सूचना को आधार करके आम तुरंत चढ़ाव करूँ और ता निकट 226 ग्राम ब्राउन सुगार जबत कर बर्तमान तो आम तार आंटीसीडेट जानू आम तदंत समय इनक्वारी करूँ कि केदारपल्ली बस्ती आम दुई मस भर में 4-5 जन गिरफ्त कलु से प्रायत प्रत्येक बस्ती लोक बहुत गुड़े व्यापार कर संपृक्त अच्छा। स्वाधीनतार अमृत महोत्सव अवसर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13-15 तारीख जाए हर घर त्रिरंगा अभियान आह्वान देते ए समय समस्त निज निज घरे जातीय पताका उड़ाइबाकु आह्वान दिया जाइछि। एही अवसर में राज्य बीजेपी पक्षरु त्रिरंगा यात्रा होइथिला। भुवनेश्वर जिला सभापति बाबू सिंह नेतृत्व में लिंगराज मंदिर परिसररु 1 किलोमीटर ऊर्ध्व लंबर एक पताका नै मास्टर कैंटीन पर्यंत जाइथिला जेउथरे भुवनेश्वर समस्त बीजेपी कर्मी जोग देइथिले। बीजेपी राज्य सभापति समीर महांती वरिष्ठ नेता कर्मी महिला एथिरे शामिल होइथिले। 1 किलोमीटर ऊर्ध्व लंबर दीर्घ पताका नै बीजेपी कर्मी राजधानी रे चालीथिले एवं राजरास्ता त्रिरंगार तीन रंगरे रंगायित होइ जाइथिला। भारत माता की जय रे प्रकंपित होइथिला पूरा परिवेश। स्वाधीनता 75 वर्ष पूर्ति अवसर रे ये अमृत महोत्सव देश पालन करूछि। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा नेतृत्व में आज देश भारतीय जनता पार्टी समस्त कार्यकर्ता समग्र देश में ये 9 अगस्त रु ये तिरंगा यात्रा आरंभ हो ये वर्तमान आज से ही प्रक्रिया क्रम भुवनेश्वर में आज 1 किलोमीटर लंबर एक तिरंगा यात्रा आरंभ कर प्रभु लिंगराज क्षेत्र हजार मीटर पताका रैली साधारण लोक सचेतन करने संगे संगे समस्ते घरे घरे पताका लगे निजर जातीयता को दर्शेबे एवं नरेंद्र मोदी जो आह्वान देते समस्त घरे पताका पहुँचेबार से दायित्व मध्य भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा महिला मोर्चा और समस्त नेतृत्व मंडली ने
ଫୋକସରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ଦେଓ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିନିକିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ କରି ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଟିକପଡ଼ାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ହାତୀବାରିରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଦେଓ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଟିକିରିପଡ଼ାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିକପ୍ଟର ପଡ଼ିଆରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ଟିକିପଦାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅତିରିକ୍ତ 17,121 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୟୂରଭଞ୍ଜର 11,688 ହେକ୍ଟର ଓ ବାଲେଶ୍ୱର 5,433 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳସେଚିତ ହେବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର 7 ବ୍ଲକର 64 ଗାଁ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର 23 ଗାଁ ଉପକୃତ ହେବେ। ଜଳେଶ୍ୱରର କରଞ୍ଜିଆ ସବ୍ ଡିଭିଜନର ହାତୀବାରିରେ ଦେଓ ଜଳସେଚନର ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ପ୍ରାୟ 18 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା କେନାଲର ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା 3 ବ୍ଲକର 9,900 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳସେଚିତ ହେବ। କେନ୍ଦୁଝର ସାହାରପଡ଼ା ବ୍ଲକର 3,233 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଣି ଯୋଗାଇବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 30,000 ଅଧିକ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚିତ ହେବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାରତୀ ହାଂସଦା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର, ବିଧାୟକ ସୋଦା ମାରଣ୍ଡି, ରାଜକିଶୋର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବଡ଼ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା। ଦେଓ ପ୍ରକଳ୍ପ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପ୍ରକଳ୍ପ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଆମର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଆଜି ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର 70,000 ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଜମିକୁ ଖରିଫ ପାଇଁ ପାଣି ମିଳିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା 2 ଜିଲ୍ଲାର 50,000 ଅଧିକ ଚାଷୀ ଉପକାର ପାଇବେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 50,000 ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଜମିକୁ ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ପୁରା ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଟୋଟାଲ 70,000 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ପାଣି ଦିଆଯିବ। ଦେଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦ୍ର ଜିଲ୍ଲାର 10,000 ହେକ୍ଟର ଜମି ଖରିଫ ଋତୁରେ ପାଣି ପାଇବ। 100 ଗାଁର ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପରିବାର ଉପକାର ପାଇବେ। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିବସ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି କାମରେ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କେବେ ହେଲେ ମାଟି ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ଦେଓ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଠି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ସାକାର ହେଇଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ବିନ୍ଧାଣୀ ଭାବରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ବାର ବାର ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏ ସରକାର ପ୍ରତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଛି। ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ମୁରୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଟିକପଦାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବୃହତ ଜଳସେଚନର ପ୍ରଥମ ସୋପାନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ।